देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। यीशु दादी जी के तृतीय पुण्य स्मृति पर विशेष कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारी संस्था के संस्थापक सदस्यों में से एक मौन शक्ति की धनी और स्थूल धन कोषाधिकारी रही राजयोगिनी दादी यीशु जी की तृतीय पुण्यतिथि शुभ भावना दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर प्रातः काल उनके कमरे में वरिष्ठ सदस्यों द्वारा उनकी स्मृतियों को ताजा करते हुए पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्था के मल्टीमीडिया चीफ बीके करुणा भाई, विज्ञान एवं अभियंता प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंगल, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रुक्मिणी, बीके डॉक्टर सविता, बीके हंसा, बीके देव, बीके कविता समेत कई बीके सदस्यों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके पश्चात कॉन्फ्रेंस हॉल के सभागार में उनके स्मृति में भोग लगाया गया। इस दौरान संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका तथा ज्ञान सरोवर की निदेशिका बीके सुदेश दीदी तथा पांडव भवन से संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके शशि दीदी की उपस्थिति में दादी जी के स्मरण सुनाए गए। जितनी गुप्त उतनी सबके दिल में प्रत्यक्ष प्रेम की भावना थी, ज्ञान की रत्नों की खान भी थी और ईश्वरीय धन की भी वरदानी मूरत बाबा की भंडारी चैतन्य भंडारी थी। सिंपल और सैंपल का एक आदर्श रूप बन करके स्वयं भगवान के सामने किस तरह से उन्होंने पूरा एक एग्जाम्पल बन के अंत तक भी अपने आप को दादियों के साथ रहते हुए भी तो किस प्रकार गुप्त रही, एकदम गुप्त। गौरतलब है कि यीशु दादी जी का जीवन पूरी तरह से एक चलते फिरते फरिश्ते की मिसाल रहा। दादी जी अंतर्मुखता, गंभीरता, मधुरता, पवित्रता, धैर्यता जैसे गुणों की धरोहर रही। इसके लिए संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने उन्हें संस्था का खजांजी का दायित्व दिया था। उम्र से जुड़े सारे भ्रम तोड़ प्रेरणा की नई इबारत लिख रहे नागपुर के वरिष्ठ जन। आम तौर पर आपने उम्र दराज लोगों को कहते सुना होगा कि अब हमारी उम्र हो गई, नाचना, घूमना, दौड़ना और पढ़ाई करना हमारे बस की बात नहीं है। जबकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो उम्र से जुड़े सारे भ्रम तोड़कर प्रेरणा की नई इबारत लिख रहे हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र के नागपुर स्थित वसंत नगर सेवा केंद्र पर कुछ ऐसा ही अनोखा नजारा देखने को मिला। मंच संचालन, स्वागत, नृत्य, लघु नाटिका, वक्तव्य समेत कार्यक्रम की रचना सभी 65 से 70 साल के ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा हुई। नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मनीषा, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके प्रेम के निर्देशन में मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट तेजस्विनी खाड़े, डॉक्टर उज्ज्वला देशमुख, डॉक्टर रेखा सपकार तथा प्रकाश तरोले समेत कई विशिष्ट जन शामिल हुए। सभी वरिष्ठ जनों ने अलग अलग तरह से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए यह सिद्ध किया कि जिंदगी में उम्र सिर्फ एक संख्या है, अगर हमें कुछ करना है तो उम्र मायने नहीं रखती। बीके रजनी ने अपने वक्तव्य में कहा कि बुजुर्गों के पास अनुभवों की खान होती है जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती है, इसलिए हमेशा उनका मान रखना आवश्यक है। प्यारे ब्रह्मा बाप के हम जिन्स, मेरे सभी वरिष्ठ नागरिक भाई बहने, खास मीठे बाबा ने आप सबके लिए ये कार्यक्रम रखा, क्योंकि गृहस्थी तो आप सभी ने भी संभाली है, दुनिया भी संभाल रही है, परंतु आपके इस गृहस्थी के चक्र को चलाने के लिए, आपको वो सपोर्ट करने के लिए स्वयं भगवान ने मदद की और ब्रह्मा बाप ने अपने हमजिन्स आप सबको बना लिया। अनुभवों की खान, बाबा ने आज हमें कहा कि आप बच्चे ज्ञान रत्नों की खान हो, लेकिन हमारी ये बुजुर्ग भाई बहनें तो अनुभवों की खान है और इनके अनुभव का लाभ सभी ने अवश्य लेना चाहिए। इनका सम्मान, वैसे तो सम्मान भी बाबा कहते छोटे बड़ों सबको देना है, लेकिन बुजुर्गों के एक अनुभवों का सम्मान सभी ने लेना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि आज के ये प्रोग्राम में ये भी एक लेसन हम सब युवा भी अवश्य सीखे। जिंदगी में हम आए हैं तो हमारा मकसद क्या है,
तो सबसे इम्पोर्टेंट है सेवा और भक्ति, वो आज आपसे शरीर स्वास्थ्य रख के आपके कुटुंब समाज और नियर अबाउट लोगों को दो। ज्ञान ग्रहण करना ये मेरा पहला कर्तव्य है। अगर हम ज्ञान ग्रहण करेंगे तो ही उसको अमल में लाएंगे, मतलब धारणा होगी हमारी और सेवा होगी। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ जनों द्वारा बनाई गई सुंदर लघु नाटिका सुखमय वृद्धावस्था का भी मंचन किया गया, जो सभी के लिए प्रेरणादायी रहा। देखिए उसकी कुछ खास झलकियां। जादुई चश्मे, क्या खासियत है इसकी? अरे भैया, ये कोई ऐसा वैसा चश्मा नहीं है, झूठ में चमकने वाले रंगों से मुक्ति दिला देता है ये चश्मा, जिंदगी की असलियत दिखा देता है ये चश्मा। अपने पराए असली नकली का भेद बताता है ये चश्मा। रक्तदान शिविर का भव्य आयोजन। रक्त की एक एक बूंद किसी को जीवन दान दे सकती है, किसी की शारीरिक कमजोरी को मिटा सकती है। कभी कभी एक्सीडेंट आदि होने पर तत्काल रक्त की जरूरत होती है, ऐसे समय पर हमारे द्वारा दिया गया रक्त जीवन दान बन जाता है। हम सब एक परमात्मा की संतान, आपस में भाई बहन हैं, इसलिए एक दूसरे के लिए रक्तदान करना हमारा फर्ज बनता है, अतः रक्तदान महादान भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के चाणक्य प्लेस में ब्रह्मा कुमारीज के चिकित्सा प्रभाग एवं स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें करीबन 50 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। इस अवसर पर थैलेसीमिया का टेस्ट भी करवाया गया, ताकि रक्त से होने वाली इस बीमारी की जागरूकता लाई जाए। सेवा केंद्र प्रभारी बीके बृंदा, बीके सावित्री, बीके परवीन, बीके संजीव के सहयोग से यह आयोजन सफल रहा। डॉक्टर मयंक के निर्देशन में चिकित्सकों एवं उनकी चिकित्सा टीम की मदद से यह कार्य संपन्न हुआ। नेशनल थैलेसीमिया सोसाइटी के सेक्रेटरी मोनिशा ने भी अवसर पर अपने विचार रखे। देहरादून सेवा केंद्र द्वारा जीवन की चुनौतियों का समाधान इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता एवं प्रेरणा स्रोत बीके शिवानी के द्वारा एक बहुत ही प्रेरणादायक उद्बोधन दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय प्रभारी बीके मंजू, बीके मीना एवं विधायिका सविता कपूर, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की निदेशिका डॉक्टर रेणु सिंह, सुशील उनियाल गामा, इंदर सिंह समेत अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर हुआ। इस इवेंट में बीके शिवानी ने जीवन में आने वाली परिस्थितियों से हम किस प्रकार अपनी श्रेष्ठ सोच के द्वारा उनका सामना कर उनका समाधान कर सकते हैं, इस विषय पर अपनी सरल और मधुर वाणी से हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को मार्गदर्शित किया। लगभग 7,000 लोग बीके शिवानी को सुनने पहुंचे। बाहर ठीक से कभी अंदर ठीक नहीं हो सकता, अंदर ठीक से बाहर ठीक हो सकता है, क्योंकि लॉ है, ये एक स्पिरिचुअल लॉ है। संकल्प से सृष्टि बनती है, सृष्टि से संकल्प नहीं बनता। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें विशेष रूप से रितिका राठौड़, अनिल राठौड़, डॉक्टर विशाल शर्मा और आशा नौटियाल समेत अन्य महानुभावों ने पुष्पों से बीके शिवानी का अभिवादन किया। अंत में बीके शिवानी द्वारा सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। छत्तीसगढ़ कोरबा के विश्व सद्भावना भवन के सभागार में बच्चों के लिए 10 दिवसीय आध्यात्मिक एवं व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बालको संयंत्र के पूर्व जीएम जमनीपाली सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु, योगा टीचर मालती जोशी समेत कुछ गणमान्य लोग शामिल हुए। स्थानीय प्रभारी बीके रुक्मिनी के निर्देशन में हुए इस आयोजन में अतिथियों ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आध्यात्मिक शिक्षा से व्यक्तित्व में दिव्य गुणों की धारणा होती है। यहाँ टीचर चाहते हैं आप सब एक गुलाब फूल बने, सब एक गुलाब के खिले हुए फूल बने, और सब कोशिश करें कि आपको अच्छे से अच्छे गुलाब का फूल बनाए और उससे सदा खुशबू आते रहे। तो खुशबूदार फूल बनने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। प्यार से बोलिए, आप जितना प्यार से बोलेंगे ना, वो भगवान के पास जाता है। वो सिर्फ चाहता है एक चीज, क्या चाहता है? प्यार। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो भी यहाँ एक्टिविटी करवाई जाएंगी बहुत ही सराहनीय है, और आप सब बच्चों को उसका लाभ लेकर अपने जीवन में उनको उतारना है। यहाँ आप सब बच्चों को इस कैंप में लाया गया है सिखाने के लिए कि कैसे हम अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातें ले आए। बीके बिंदु ने कहा
कि हमारे संस्कार हमारे परिवर्तन में मदद करते हैं। अच्छी सोच से अच्छे बोल, जिससे अच्छे कर्म और उससे अच्छे संस्कार बनेंगे। जीवन में हमारा सोच अच्छा होगा तो हमारे बोल अच्छे होंगे, और बोल अच्छे होंगे तो हमारे कर्म अर्थात संस्कार अच्छे होंगे, और वो संस्कारों की शुरुआत बचपन से शुरू हो। इस कैंप में बच्चों को विविध गतिविधियों के साथ शारीरिक और मानसिक एक्सरसाइज, साथ ही मेडिटेशन करने की विधि भी समझाई गई। तो सबसे पहले हमने मेडिटेशन किया, जिससे हमें आंतरिक शांति प्राप्त हुई, और हमें सर ने बताया कि हमें अंदर से हमें आज्ञाकारी बनना है लोगों के लिए। बिलासपुर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तोखन साहू का आगमन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित राजयोग भवन में हुआ। इस अवसर पर स्थानीय प्रभारी बी के स्वाति एवं बी के संतोषी द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया गया। वर्तमान विधायक तोखन साहू ने बहनों से विस्तृत ज्ञान चर्चा की, राजयोग का अभ्यास किया। अत्यंत व्यस्ततम कार्यक्रम होने के बावजूद सेवा केंद्र पर ब्रह्म भोजन स्वीकार किया और बहनों को धन्यवाद ज्ञापित किया। बी के स्वाति ने उन्हें मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। इस मौके पर बी के कमल छाबरा भी उपस्थित रहे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।